अयोध्या विवाद में चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने मध्यस्थता की पेशकश की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो किसी दूसरे जज को भी मध्यस्थता के लिए चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुलह के लिए मुख्य वार्ताकार नियुक्त करने की पेशकश भी की है। कोर्ट ने बातचीत की संभावना तलाशने के लिए 31 मार्च तक का वक्त दिया है। हालांकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने साफ किया है कि कोर्ट से ही इस मामले का हल निकलेगा। बातचीत कई बार बेनतीजा साबित हुई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा आज बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कृष्णा को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। एसएम कृष्णा 15 मार्च को ही बीजेपी में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनकी बहन के निधन की वजह से इसे टाल दिया गया था। कांग्रेस के बड़े नेता रहे कृष्णा ने जनवरी में आखिर में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड के धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। कल वारदात उस वक्त हुई जब नीरज सिंह अपने घर जा रहे थे और स्टील गेट इलाके के पास स्पीड ब्रेकर होने की वजह से जैसे ही गाड़ी की रफ्तार कम हुई, घात लगाए हमलावरों ने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। वारदात के बाद पूरे धनबाद में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है। नीरज की मां ने विधायक राजीव सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है और संजीव नीरज के चचेरे भाई हैं। आज यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। इससे पहले दिल्ली में मंगलवार को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी रहा। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच दिन में 2 बार मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि दोपहर की चर्चा में मंत्रियों के विभाग के बारे में बात नहीं बन पाई थी, लिहाजा अमित शाह ने योगी को बुलाकर एक बार फिर मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा की। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। 2 दिन के भीतर राज्य के अलग अलग शहरों में दर्जनों अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया गया है। गाजियाबाद से वाराणसी तक दर्जनों अवैध बूचड़खाने प्रशासन के निशाने पर रहे। कल योगी आदित्यनाथ ने संसद में अपने भाषण के दौरान भी बूचड़खानों पर कार्रवाई के संकेत दिए। वहीं बिजनौर में भी जिला प्रशासन ने सालों से चल रहे एक बूचड़खाने को सील कर दिया। इस बूचड़खाने से हर रोज सैकड़ों टन मील गल्फ के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। अधिकारियों के मुताबिक अल उमर इंटरनेशनल नाम के इस बूचड़खाने की परमिशन दिसंबर में ही खत्म हो गई थी और जिस वजह से इसे सील कर दिया गया। प्रदेश भर में सरकार के सख्त रवैये से बूचड़खाने के कारोबारियों में हड़कंप मचा है। बस प्रशासन की तो ये है जी कि वो अपनी मनमानी कर रहा है और क्या बंद करा, वरना तो सारे कागज हमारे पास हैं, सारे लाइसेंस हमारे पास हैं। सिर्फ एक फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस है कि जो दिसंबर में हमारा ख़त्म हो गया था, उसकी भी हमने अप्लाई कर दी। उसकी फ़ीस जो होती है वो भी हमने बैंक में जमा कर दी, एप्लीकेशन भी हमने दे रखी है। अब वो एक अधिकारी है, 4 जिले देख रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। इस स्लॉटर हाउस में जो है इनका दिसंबर तक का वो था, इनका अनुमति थी चलाने की, उसके बाद इनका जो है टाइम खत्म हो गया, तो इनकी रिन्यूअल की जो कार्यवाही थी एप्लीकेशन तो इन्होंने दे दी, लेकिन वो अभी स्वीकृत नहीं हुई इनकी, तो इसी जो है निवृत्ता पाने पर इसको जो है बंद करा जा रहा है। यूपी में ट्विटर पर भी योगी सरकार का एक्शन दिखने लगा है। कानपुर में 2 बहनों ने ट्विटर पर योगी से शिकायत की, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही देर बाद पूरा पुलिस महकमा शिकायत दर्ज कराने के लिए हाजिर हो गया। मामला कल्याणपुर इलाके का है, जहां 2 बहनें अपने साथ हुई मारपीट और छेड़खानी की घटना की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित बहनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर अपनी शिकायत भेजी। होली वाले दिन हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ बदतमीजी की हुई, दी के साथ जो ऐसे हम लोग को मारा पीटा था। उसके बाद हम लोग ने पुलिस में शिकायत की और कुछ नहीं हुआ। हम में से मोस्टली सब हॉस्पिटल में एडमिट थे। पुलिस में पापा ने बहुत बार कोशिश की पर कहीं भी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए एक हफ्ते मीन्स ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने जा रहा है आज जाके, इसीलिए मैंने सीएम आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया। एंड अब जाके शाम के आज जाके कुछ पुलिस के लोग हम लोग के घर पे आए।
रेप के केस में जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। मेरठ के समाजवादी पार्टी के नेता राकेश प्रजापति ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राकेश प्रजापति का कहना है कि चकबंदी लेखपाल बनाने के नाम पर गायत्री प्रजापति ने उनसे 6 लाख रुपए मांगे थे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में हैं और वो आज बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। सुबह 9:45 पर रावत को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का कार्यक्रम है। दोपहर 12:05 पर त्रिवेंद्र रावत पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और शाम 5 बजे सीएम त्रिवेंद्र रावत राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 24 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आज ही सरकार में मंत्रियों को विभाग बांटे जाएंगे। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के किनारे जोशियाडा में हो रहे अतिक्रमण पर डीएम ने सख्त रुख दिखाया है। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया है कि जल्द ही अतिक्रमण को चिन्हित कर 3 दिन के अंदर इसे तोड़ने की भी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। डीएम ने लगातार हो रहे अतिक्रमण पर जल्द रोक लगाने के लिए भी कहा है। अतिक्रमण एक सीरियस इशू है और वैसे भी 2013 में जब आपदा आई थी उसमें बहुत सारा डैमेज हुआ था, उसको लेकर के एक समिति बनाई जा रही है तहसीलदार की अध्यक्षता में और जिसमें पुलिस विभाग भी होगा और ये सभी जितने भी ईयूजेवीएन के लोग होंगे और ये सारा अतिक्रमण चिन्हीकरण किया जाएगा और चिन्हीकरण करने के बाद इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। धर्मनगरी ऋषिकेश में डॉक्टर्स की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक नामी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते 7 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि इलाज के वक्त डॉक्टर नशे की हालत में था और इंजेक्शन के ओवरडोज के चलते उनके मासूम की जान चली गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, लिहाजा उसे जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर कर दिया गया था जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और जाँच शुरू कर दी है। मामला है कि बच्चे का दस्त लगा था 20 तारीख को 11 बजे करीब हमने एडमिट करे, बच्चे को दस्त कर रहा था दिन में। उसके बाद डॉक्टर ने इलाज वाज करा, उसके बाद रात को क्या हुआ 12 बजे तक बच्चा सही था। 12 बजे के बाद नर्स उसके आए, बुलाने के बाद नर्स भी नहीं आए, उसका बच्चे का हाल बिगड़ते जा रहा था। डॉक्टर आया नशे में, दारू के नशा में आया, बच्चों को लेकर गया अंदर 1:30 बजे करीब में, इंजेक्शन कौन सा सुई दिया, फिर बाहर निकल रहा। बाहर निकलने के बाद कह रहा बच्चों को कोई उम्मीद नहीं है, जोली ग्रांट लेके जाना है। बिल्कुल नहीं, ये गलत आरोप है, मतलब ही नहीं होता। ये पूरी फाइल हमारे पास है, हमने क्या किया उसको दवाइयां दी, तुरंत पुलिस ने अपने कब्जे में कर ली इसको, ये कागज को हमने उसी समय दे दिया पुलिस को कि ये इसको ट्रीटमेंट हुआ है इसमें, इसमें वो तो गलत हुआ उसका वो था, क्योंकि वो लोग इस टाइप के हैं कि अभी मतलब क्या बोलूं कि असल हमने तो इसलिए खोला ये हॉस्पिटल यहाँ पे स्लम एरिया में कि क्या यहाँ के लोग अदरवाइज हमारे तो हॉस्पिटल जोलीगाम में है ही। यहाँ चंद्रशेखर नगर में स्थानीय हॉस्पिटल में एक 7 माह के शिशु की मृत्यु का प्रकरण है, जिसमें परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनके इलाज में जो है लापरवाही बरती गई और जिसकी वजह से शिशु की मृत्यु हो गई। तो उसके संबंध में जो परिजन है उनके तरफ से तहरीर हम प्राप्त हुई है और हमने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है और इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है और इसके साथ जैसे जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आते हैं उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्ट्री ने एक मालिक ने जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इसे लेकर फैक्ट्री के मालिक ने अधिकारी के ऑफिस में ही हड़ताल शुरू कर दी। फैक्ट्री मालिक राजेश गोयल का आरोप है कि अधिकारी VK शर्मा उनसे रिश्वत में 1 लैपटॉप भी ले चुका है, बावजूद इसके वो उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। वहीं जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी VK शर्मा के अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से उन्होंने सिरे से उसे खारिज किया है। विजिट जाए, अपने आप खुद करके आए, मुझे क्यों दबाव बनाते हैं ये कि मैं विजिट पे साथ में चलूंगा। विजिट तो इनका खुद का अधिकार है, मुझे क्यों लेके जाते हैं साथ में। मुझे इसलिए लेके जाते हैं कि इनका प्रलोभन है कि रिश्वत देगा, विजिट का मतलब इनका रिश्वत से है। इन्होंने पहले मांगी है मेरे से लैपटॉप भी लिया, बिल है मेरे पास उसका। उनकी पत्रावली मेरे यहाँ 15 तारीख को आई थी और परसों कल जो है उन्होंने मेरे साथ दबाव बनाया कि इसको तत्काल कर दी। मुझको पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा था कि मुझको एक बार उनके फर्म में विजिट कर लेनी चाहिए और मैं इस बात पे अड़ा था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज ही दीजिए। मैंने कहा ऐसा अगर ऐसा है तो मैं कल सुबह 10 बजे आपके यहाँ विजिट कर लेता हूँ और उसके बाद तत्काल जो है मैं आपकी पत्रावली आपको दे दूँगा।
इलाहाबाद के शियालत में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनके गुर्गे की मारपीट के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। पूर्व एसपी क्राइम इस मामले की जांच कर रहे हैं और अतीक अहमद ने इस केस में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए खुद को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 अप्रैल को होगी। 11 फरवरी से नैनी जेल में बंद है अतीक अहमद। अतीक के जवाब में दाखिल करने में के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते का जवाब मांगा है। गंगा नदी को लेकर दिए गए उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को लाखों लोग सराह रहे हैं। लोगों का कहना है कि देश के दूसरे राज्यों की अदालतें भी अब इसको अमल में लाएंगी। गंगा के तटों पर हजारों तीर्थ पुरोहितों के परिवार वालों के लिए ये नदी रोजी रोटी का एक जरिया है। संगम आने वाले श्रद्धालु कर्मकांड से मिलने वाले पैसों से इनका परिवार चलता है और यही वजह है कि उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट के गंगा नदी को लेकर दिए गए फैसले को लेकर तीर्थ पुरोहित और साधु संत काफी खुश हैं। इस फैसले से निश्चित तो बड़ा असर पड़ेगा। खनन माफिया इससे परेशान होंगे, मछली पालक लोग जो धार्मिक स्थानों पे जानवरों को मारते हैं उनको तकलीफ होने वाली है। उसके साथ साथ में जो लोग गंगा में बेवजह गंदगी फैलाते हैं, जिसे कह सकते हैं कि अनभिज्ञता के कारण जो गंदगी फैलाते हैं उनको भी अवेयरनेस बढ़ेगी। फैसला अच्छा है, आगे गंगा सफाई होगी, पानी ज़्यादा आएगा तो श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे, इससे हमारी रोजी रोटी अच्छी चलेगी। ये जो पहल कोर्ट ने किया है बहुत ही प्रभावी कदम है कि अगर इनका गंगा को संरक्षित किया जाए और गंगा को जो नुकसान पहुंचाए उसको एक क्राइम की तरह जो है यूज हो मानवाधिकार का जो है होती में, तो ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसमें पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी भी लगी है, नाव वाले, नाई समाज, ऑटो, रिक्शा, रेल, बस, हर तरह के लोग इससे कमाई भी करते हैं और सुंदर फैसला है। इसमें भविष्य में और फायदा होने के मौका है, अवसर है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को जोरदार झटका दिया है। सेबी सहारा मामले में कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय अगर 5,000 करोड़ रुपए जमा नहीं कराते तो एमबी वैली को नीलाम कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि निवेशकों के पैसे सेबी सहारा के जॉइंट अकाउंट में जमा कराने होंगे। इसके पहले कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री अकाउंट में पैसे जमा करने के आदेश दिए थे और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के 1,100 करोड़ रुपए कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए थे। ये पैसा अथॉरिटी को सहारा की जमीन के अधिग्रहण से मिले थे। रामनवमी को लेकर यूपी सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि रामनवमी के मौके पर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और 28 मार्च से शुरू हो रही रामनवमी के नवरात्रों के टाइम पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाओं और सतर्कता को बढ़ाने के उन्होंने निर्देश दिए। 28 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को जितनी भी हमारी शक्तिपीठ हैं उत्तर प्रदेश में और लोग श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको सुविधाएं मिलें, पीने के लिए पानी मिले, शौचालय की व्यवस्था ठीक से हो, सुरक्षा उनकी सुनिश्चित हो। सुरक्षा, सतर्कता और सुविधा इनका पूरी तरह से अधिकारी चिंता करें और रामनवमी के उपलक्ष्य में अयोध्या के अंदर बड़ी तादाद में राम भक्त जाते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा मुस्तैद हो, वहाँ पर भी सुविधाएं मिलें, वहाँ पर भी सतर्कता हो, इस चीज़ की चिंता सभी प्रशासनिक अधिकारी करें। ये आग्रह हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को किया है। आगरा में चांदी कारोबारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक के भाई और एक डॉक्टर के साथ ही 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के भाई को जुए और सट्टे की लत थी जिसकी वजह से वो काफी पैसे हार चुका था। उसने बड़े भाई का बिजनेस हड़पने के मकसद से उसकी हत्या करवा दी। आपको बता दें कि आगरा में रविवार शाम एक सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बदमाशों ने व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान व्यापारी ने दम तोड़ दिया था। We'll be right back.
कानपुर में एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जाता है कि बर्रा थाना क्षेत्र के रहने वाले विनोद कुमार की बेटी गौरी की परीक्षाएं चल रही थी, उसका शिक्षा शास्त्र का पेपर खराब हो गया था, जिस पर उसके पिता ने से जमकर फटकार लगाई थी। उससे नाराज होकर गौरी ने खुदकुशी कर ली। गौरी पिछले साल भी परीक्षा में फेल हो गई थी और इस बार भी पेपर खराब हो जाने से उसके मन में फेल होने का डर बैठ गया था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी जैसा खतरनाक कदम उठाया। बर्रा थाना क्षेत्र में बर्रा पांच मोहल्ले में एक छात्रा ने, जो पिछले साल बीएससी में फेल हो गई थी, इस बार भी परिजनों का जैसा कहना है कि पेपर खराब हो गया था, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में रह रही थी। आज उसने अपने दुपट्टे से पंखे में लटक करके सुसाइड कर लिया। यूपी के अमेठी में आज भी एक ऐसा गांव है जहां महिलाओं और बच्चों को टीवी नहीं देखने दिया जाता। गौरीगंज के ऐठा गांव में लोग टेलीविजन देखना मजहब के खिलाफ मानते हैं। दरअसल ये परंपरा पिछले कई दशकों से यहां चली आ रही है। अगर कोई यहां गलती से भी टीवी लाता है तो वो वैसे ही घर में रखी रहती है। गांव के लोगों की माने तो इस फैसले पर युवाओं से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों का पूरा समर्थन रहता है। लोग के मर्द भी औरत भी नहीं देखती, कोई भी नहीं देखता है टीवी। हमारे यहाँ से बहुत दिन से ऐसे चले होते आ रहा है, बहुत दिन से, क्योंकि कोई जिसके घर में है, पहले तो घर में है ही नहीं है, फिर भी जिसके घर में है वो अकेले में मोबाइल है, मोबाइल में लेकर लेता है और मोबाइल में देखकर डिलीट कर देता है। हमारे दादा बाबा के ज़माने का ये सब सिस्टम हुआ है। और ये सब बाजा वाजा बहुत दिन से बंद हो गया है, बाजा बजाते हैं ना हम लोग के खाना नहीं खाते। देखिए, हमारे मजहब में दो फतवा है। कछौछा शरीफ के जो हमारे मरकज़ हैं वहाँ का फतवा ये है कि जो चीज़ खुली आँखों से देखा जाए, अगर वो चीज़ टीवी में दिखाया जाए तब तो जायज़ है, और जो चीज़ें खुली आँख से नहीं देख सकते उन चीज़ों को हराम माना गया है। लेकिन बरेली शरीफ का फतवा ये है कि इस्लाम में हमारे तस्वीर देखना, खिंचाना ये हराम है, मना है। इस बुनियाद पर टीवी देखना नाजायज़। अब हमारे यहाँ तो ये बहुत दिन से चला आ रहा है, टीवी भी हो गया हमारे यहाँ बहुत हुआ। और फिर वैसे गरीब आदमी है असल में, जो कमाते कोई मनोरंजन करते ही नहीं। जब बच्चों की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से कौन मनोरंजन करे, किसी को फुर्सत नहीं है। किसान आदमी सब खेती बाड़ी में लगा रहा था, किसी को इतना टाइम ही नहीं रहता। टीवी नहीं लगती है, बच्चे में परेशान है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, टीवी लगाना हराम है मुसलमान। यूपी के मऊ के सराय सादी गांव के लोगों को अब योगी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इस गांव में पिछले 10 सालों से बिजली नहीं है। बिजली मुहैया कराने के लिए गांव में सोलर प्लांट की स्थापना की गई थी। 2002 तक सोलर प्लांट भी चला, लेकिन पिछले 10 सालों से ये पूरी तरह से ठप है। सरकारें बदली लेकिन सुध नहीं ली गई। अब योगी सरकार बनने से लोगों को उम्मीदें बढ़ गई हैं। नॉर्थ कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित बारामूला में सेना की भर्ती के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नौजवानों की भीड़ उमड़ी। बारामूला और कुपवाड़ा के हजारों नौजवान फिजिकल टेस्ट के लिए सेना के कैंप पहुंचे। सेना के मुताबिक ये भर्ती प्रादेशिक सेना के लिए की गई थी, जो 31 मार्च तक चलेगी। 31 मार्च 2017 तक सभी लोगों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आरबीआई में जमा कराने की छूट न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरह ही देश में रहने वालों को ये छूट क्यों नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 के भाषण के आधार पर केंद्र के फैसले को चुनौती दी है और अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल तय की है। काले धन पर बड़ी चोट करने और कैश ट्रांजैक्शन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए कर दी है। यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करना कानूनन जुर्म है। अगर आप 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पूरी रकम जुर्माने के तौर पर चुकानी होगी। फरवरी में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 3 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। बिल पास होने पर कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट घटाकर 2 लाख रुपए हो जाएगी और फाइनेंस बिल में संशोधन 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा। सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी कर दिया है। आधार नंबर के बिना आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा और साथ ही पैन बनवाने के लिए भी अब
फॉर्म पर आधार नंबर बताना जरूरी होगा। आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में आधार एनरोलमेंट आईडी भी बताई जा सकती है। ऐसा न करने पर पैन को अवैध माना जाएगा और सरकार पहले ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर चुकी है। यही नहीं, साल ही सरकार ने मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड जरूरी बनाया है, जिसका कुछ राज्यों ने विरोध किया। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ खाता खोलने के लिए भी आधार नंबर जरूरी कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। जी मीडिया से खास बातचीत में श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इससे लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी बल्कि सुविधाएं होंगी। सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा भत्ता मिल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भत्ता लागू करने पर अगले हफ्ते फैसला हो सकता है। भत्तों पर वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी समिति ने वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है और समिति ने छठे वेतन आयोग के बराबर एचआरए देने के लिए कहा है। छठे वेतन आयोग में एचआरए की दर 30, 20 और 10 प्रतिशत है। सातवें वेतन आयोग के मुताबिक एचआरए 24, 16 और 8 प्रतिशत तय किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट भत्ते पर भी नरम रुख अपनाया गया है। समिति ने 56 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश की है और अन्य 36 भत्तों को दूसरे भत्तों के साथ मर्ज करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को 196 भत्ते मिलते हैं। ट्रेन में यात्रियों से खाने पीने की चीजों के ज्यादा पैसे ना वसूले जाएं, इसके लिए रेलवे ने ऑफिशियल रेट कार्ड जारी किया है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा, जिससे ज्यादा रुपए लिए जाने पर शिकायत भी आप कर पाएंगे। आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में खाने पीने के प्रोडक्ट्स का पूरा रेट कार्ड भी ट्वीट किया है। चीन के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जियोनी ने भारत में मंगलवार को अपने ए सीरीज का नया स्मार्टफोन जियोनी A1 लॉन्च किया। कंपनी ने अभी हैंडसेट की कीमत का खुलासा नहीं किया। ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से दिए जा रहे ऑनलाइन डिस्काउंट बंद हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर साफ किया है कि ई कॉमर्स कंपनियां खुद किसी भी तरह के डिस्काउंट नहीं देंगी।